प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 5 जनवरी 2022 बुधवार का दिन है। पोष का माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है और तृतीया तिथि 14:36 और 31 सेकंड तक रहेगी। आज चंद्रमा मकर राशि में है और 22 डिग्री पर विद्यमान है। नक्षत्र श्रवण है और श्रवण नक्षत्र 8:47 और 23 सेकंड तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। दर्शकों, आज कोई त्योहार नहीं है और आज का राहु काल 12:32 और 11 सेकंड से 13:51 और 3 सेकंड तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 12:11 से 12:53 तक रहेगा और आज जो भी रत्न धारण करना चाहते हैं वह बुद्ध का रत्न पन्ना धारण अवश्य कर सकते हैं। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर एक छोटा सा उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वह आपको अवश्य करना चाहिए। आज अपने घर के मंदिर में ही ओम श्री बुद्ध देवाय नमः इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए और यदि आपके घर के आसपास कोई सफेद रंग का पुष्प यदि उपलब्ध हो तो वह आज भगवान गणेश जी को अर्पित अवश्य कीजिए। ये उपाय आज आपको अवश्य करना चाहिए। लेकिन सफेद रंग का पुष्प यदि उपलब्ध नहीं है तो केवल मात्र ओम श्री बुद्ध देवाय नमः इस मंत्र का 2 मिनट जाप करना ही आपके लिए आज पर्याप्त है। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आपको आपके जीवन से संबंधित एक ऐसे ही प्रसंग के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो अक्सर हम जानते तो हैं लेकिन कभी उस पर हम भरोसा नहीं करते हैं। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जैसा आप सोचते हैं दुनिया आपको वैसी ही दिखने लगती है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो दुनिया के अंदर आपको हर चीज बेहतर होती हुई नजर आएगी, आपके आसपास के लोग आपको खुशहाल नजर आएंगे। लेकिन वहीं यदि आप कुंठित हैं, तृष्णा से भरे हुए हैं या लोभ और द्वेष की भावना आपके अंदर है तो आप देखेंगे आपके आसपास आपको षड्यंत्रकारी ही नजर आएंगे। इसीलिए किसी ने कहा भी है कि हम जैसी हमारी दृष्टि है हमें सृष्टि वैसी ही नजर आती है। लेकिन दर्शकों, ये तो एक अलग हिस्सा हो गया, लेकिन इसके विपरीत एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन के अंदर भी होता है। जिस चीज को हम पाना चाहते हैं यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और पूरी दृढ़ता के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना पूरा पुरुषार्थ लगाते हैं तो वह लक्ष्य हमारे लिए बहुत आसान भी हो जाता है। इसको यदि मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो आप ऐसे समझिए, यदि आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो 10 किलोमीटर आपका कब पूरा हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन वही आपको 10 किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो 10 किलोमीटर का वो सफर भी आपको काफी लंबा लगता है। यानी आप जब अपने लक्ष्य को बढ़ा करके चलते हैं तो छोटे लक्ष्य तो अपने आप ही पूरे हो जाते हैं, आपको उसमें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। लेकिन जब आप वही पाना चाहते हैं जो आपका लक्ष्य है और लक्ष्य भी आपका उतना ही बड़ा है तो फिर आपको उस लक्ष्य को पाने में थोड़े प्रयास अधिक करने पड़ते हैं। इसीलिए जीवन के अंदर सकारात्मक सोच के साथ हमेशा अपने लक्ष्यों को बड़ा रखिए, फिर देखिए छोटे मोटे लक्ष्य तो आपके जीवन के अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि हम जैसी दृष्टि रखेंगे सृष्टि भी वैसी होगी और जिस तरह का हमारा प्रयास होगा अपने लक्ष्यों के प्रति वैसी ही हमारी मंजिल भी हमसे नजदीक या दूर भी अवश्य होती है। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का पहले का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 7:16 और 41 सेकंड पर धनु लग्न बन रहा है। धनु राशि के अंदर ही सूर्यदेव विद्यमान है और शुक्रदेव विद्यमान है। मकर राशि के अंदर बुधदेव है, शनिदेव है और चंद्रमा है। कुंभ राशि के अंदर बृहस्पति है, वृषभ राशि के अंदर राहुदेव है और वृश्चिक राशि के अंदर केतुदेव है और मंगलदेव है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए।
आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी होगी, लक्ष्य के प्रति आज आप समर्पित भी रहेंगे और हर कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करके आज के दिन को अपने लिए बेहतर बनाने का प्रयास आप अवश्य करेंगे और उसमें सफल भी आज अवश्य रहेंगे। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला बनता है। कार्य करते समय पूरी सावधानी रखिए। भाग्य का साथ भी आज आपको नहीं मिल रहा है तथा पिता के संदर्भ में भी आपको कुछ चिंता आज अवश्य हो सकती है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके कार्य के क्षेत्र में कुछ व्यवधान पैदा करेगा। दूसरों के साथ आज तालमेल का अभाव भी रहेगा। मन आज आपका व्यथित और परेशान भी अवश्य रहेगा। ऐसे में एक चीज का आज आपको ध्यान रखना है, जिस कार्य को भी आप कर रहे हैं उसको प्रभावी ढंग से पूर्ण कीजिए और अपने मन को इधर उधर मत भटकने दीजिए। ये कार्य आज आपको अवश्य करना है। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मित्रों से मुलाकात भी होगी और नए लोगों के साथ भी आज आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आज किसी के साथ मिलकर के किसी कार्य को पूर्ण करने की रूपरेखा भी बनेगी तथा मन के अंदर सकारात्मक विचार भी आज आपके अवश्य रहेंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने का बनता है। खर्च की अधिकता भी रहेगी। अस्पताल को लेकर के कुछ खर्चे हो सकते हैं तथा धन को लेकर के कुछ परेशानी आपको आज महसूस हो सकती है। ऐसे में अपने कार्य पर ध्यान दीजिए और धन के व्यय को थोड़ा संभल करके कीजिए। ये आज आपको अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके ध्यान को भटका रहा है। संतान को लेकर के भी थोड़ी चिंता देगा तथा कहीं पर निवेश आप कर रहे हैं तो आज आपको रुकना भी चाहिए, क्योंकि आज निवेश करने का दिन नहीं है बल्कि कहीं निवेश किया हुआ है तो उसको संभालने का आज दिन है, क्योंकि आज अकस्मात धन लाभ के जगह धन हानि के योग बन रहे हैं। ऐसे में जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार से आज अपने आप को दूर अवश्य रखिए। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है तथा कार्य क्षेत्र में कुछ नई चुनौतियां भी आपको मिलेंगी जिसका आप डटकर मुकाबला भी करेंगे और जिसका परिणाम ये होगा कुछ बेहद अच्छी सफलताएं भी आज आपको अवश्य प्राप्त होंगी। आज का दिन पूरी तरह से अपने कार्य पर फोकस करने का है और यदि ये आप करेंगे तो आज विशेष सफलताएं भी आपको अवश्य प्राप्त होंगी। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहा है। यात्राओं के योग भी हैं और जो कार्य आप कर रहे हैं उसके परिणाम आपके पक्ष में ही आज अवश्य आएंगे। आज छोटे भाई के साथ भी संबंध मधुर अवश्य रह सकते हैं तथा यदि कोई लेन देन आप अपने छोटे भाई के साथ करना चाहते हैं तो आज का दिन उसके लिए बेहद अच्छा है। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन धन परिवार को लेकर के कुछ अनावश्यक चिंताएं आपको अवश्य देगा। ऐसे में वाणी का संयमित प्रयोग भी आज आप कीजिए तथा धन परिवार को लेकर के अनावश्यक वाद विवाद से आज अवश्य बचिए। आज का दिन धैर्य रख करके शांति के साथ व्यतीत करने का है और इस चीज का आपको आज ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ी मानसिक चिंताएं अवश्य बढ़ाएगा तथा पत्नी के संदर्भ में भी कुछ चिंता फिक्र आपको अवश्य रह सकती है। ऐसे में आज आपका ध्यान एकाग्र नहीं है और मन के अंदर अनेक ऐसे विचार आ रहे हैं जो आपकी परेशानी को थोड़ा और बढ़ाएंगे। इसीलिए 2 मिनट का मेडिटेशन आज अवश्य कीजिए, ये आज आपको अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े खर्चे बढ़ाने वाला है तथा कुछ जिम्मेदारियां भी आज आपके ऊपर आ सकती हैं। ऐसे में मित्रों के सहयोग से अपनी जिम्मेदारी को पूरा भी कीजिए और पूरा प्रयास कीजिए कि आज का जो कार्य है वो यदि आज ही संपन्न हो जाए तो बहुत अच्छा है। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी इच्छाओं को पूरी करने का अवश्य बनता है। कुछ अकस्मात लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे तथा जो अभिलाषाएं आपकी हैं वो समय पर पूरी हो इसके योग भी आज अवश्य बनते हैं। संतान के संदर्भ में यदि कोई चिंता है तो वह भी आपकी दूर होगी तथा आज को यदि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपके अच्छे परिणाम ही आपको मिले, ऐसी सफलता के योग भी आज अवश्य बन रहे हैं। दर्शकों, ये आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्न फल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।